ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। घर में गरीबी आने से पहले आपको 5 संकेत मिलेंगे और अगर ये 5 संकेत आपके साथ अभी वर्तमान में हो रहे हैं तो इन्हें तुरंत आप ठीक कर लो, अन्यथा गरीबी दरिद्रता आपके घर में वास कर जाएगी और आप कई दिनों तक केवल और केवल परेशान होते रहेंगे। जब भी किसी भी व्यक्ति के घर दरिद्रता और गरीबी का आगमन होता है, चीज़ें घर में प्रवेश करती, तो सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ी बात है कि उस घर में, जिस भी घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, जो भी व्यक्ति महिलाओं का अपमान करता है, उस घर में कभी भी गरीबी आ सकती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। क्योंकि महिलाओं का सम्मान ही माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान की कृपा उसी घर में होती है। लेकिन ये तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें इसलिए मैंने बताई कि बेसिक सबसे पहले सही करने की आवश्यकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी किसी व्यक्ति के घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है, वो लालच में फंस जाता है। अगर कोई आपको लालच दे रहा है और कोई आपको झूठे सपने दिखा रहा है, तो समझ जाएगा कि हमारे जो हालात हैं अब बिगड़ने वाले हैं, अब हालात ख़राब होने वाले हैं। क्योंकि लालच एक ऐसी व्यू रचना है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, इसलिए लालच से सावधान रहें। अब वो लालच कैसी भी हो सकती है, जिसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें मेरा फ़ायदा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बिना फ़ायदे के तो कुछ नहीं करता है, लेकिन फ़ायदा वाजिब हो वहाँ तक सही है, लेकिन बहुत हद तक ऐसा फ़ायदा है जो ज़मीन आसमान का अंतर है, वो लालच है। दूसरा होता है, जिस भी घर में अस्वच्छता होती है, मतलब सफाई नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, समय समय पर घर को स्वच्छता नहीं रखते हैं, वहाँ भी दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। क्योंकि जहाँ सफाई होगी, जहाँ स्वच्छता होगी, वहीं भगवान विष्णु का वास होगा और वहीं पर सुख समृद्धि और वैभव होगा। और अगर आप ये नहीं रखते हैं तो ये भी समझ लो कि हम दरिद्रता को खुद न्योता दे रहे हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। जिस भी घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता या उनको अच्छे से नहीं रखा जाता, या पितृदोष भी लगता है, पितृदोष लगने के साथ साथ ही ऐसे घरों में कभी भी सुख समृद्धि नहीं हो सकती दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने पितरों का विशेष ध्यान रखें, अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नशा, अगर कोई नशा करता है तो आने वाले समय में गरीबी और दरिद्रता उनके यहाँ प्रवेश करेगी, तो सावधान रहें, नशा न करें। ओम नमः शिवाय।